नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनवाई न्यूज खबर। यूपी के मथुरा शहरी थाना गोवर्धन के रोडवेज स्टैंड पर बने सीओ कार्यालय के समीप जनपद हाथरस जिले की रहने वाली रेखा नामक महिला श्रद्धालु हुई जहर खुरानी की शिकार। स्थानीय लोगों ने 112 पर फोन करके पीआरपी के माध्यम से शिकार हुई महिला श्रद्धालुओं को भिजवाया गोवर्धन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल के लिए किया रेफर। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेखा पत्नी हरिशंकर उम्र करीब 50 वर्ष थाना मुरसान जिला हाथरस की रहने वाली है। बेहोशी की हालत में शुक्रवार की सुबह रोडवेज स्टैंड पर बने सीओ कार्यालय के समीप पड़ी हुई थी। स्थानीय लोगों ने 112 पर फोन करके पीआरबी के माध्यम से शिकार हुई महिला श्रद्धालुओं को अस्पताल भेजा। वहीं महिला ने गैर होशी की हालत में बताया कि उसके कानों में सोने के कुंडल नहीं है। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल कर महिला के परिजनों को सूचना दे दी गई। बीएनवाई न्यूज के लिए मथुरा से आरती यादव की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, एक पीआरबी द्वारा एक महिला श्रद्धालु को लाया गया है गैरोसी की हालत में, क्या मामला है पूरा? अभी पुलिस वाले आए थे लेकर पीआरबी वैन से, तो उन्होंने बताया कि महिला हाथरस की निवासी है और इनको जहर खुरानी का केस बता रहे थे। प्राइमरी जांच में तो यही लग रहा है कि कंजम्पशन ऑफ अननोन सब्सटेंस है, वाइटल सभी इनके थोड़े से सही नहीं है, इसके लिए इन्हें जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ कर दिया गया है और फर्दर मैनेजमेंट के लिए जिला अस्पताल रेफर किया। अच्छा, इनके कोई परिवारजन साथ में है या ऐसा कोई परिवारजन इनमें साथ में अभी तो कोई कोई नहीं है? थाना पुलिस मौजूद है इस समय? हाँ, पुलिस वाले तो मौजूद हैं जो आए थे, और परिवारजन कोई नहीं है। अच्छा, इनको रेफर किया जा रहा है? हाँ, रेफर किया।